कहानी की शुरुआत कुछ इस तरह होती है, एक बार घर में आग लग गई और सभी लोग उस घर के उस आग को बुझाने में लग गए। उस घर में एक चिड़िया का घोंसला भी था, तो वो चिड़िया भी अपनी चोंच में पानी भरती रही और आग में डालती रही। वो बार बार जाकर पानी लाती और आग में डालती। एक कौवा ये सब होते देख रहा था और वो चिड़िया से बोला, अरे पगली, तू कितनी भी मेहनत कर ले, लेकिन तेरे बुझाने से यह आग नहीं बुझेगी। तो उस चिड़िया ने उस कौवे को जवाब दिया, मुझे पता है कि मेरे बुझाने से यह आग नहीं बुझेगी, लेकिन जब भी इस आग के बारे में जिक्र होगा तो मेरी गिनती उन लोगों में होगी जिन्होंने आग बुझाने में मेहनत की, और तेरी गिनती होगी तमाशा देखने वालों में। हमारी जिंदगी में भी कुछ ऐसे ही लोग होते हैं जो हमारी मेहनत नहीं बल्कि हमारे हारने का तमाशा देखना ज्यादा पसंद करते हैं, और ऐसे लोगों को पहचानना ज्यादा मुश्किल नहीं है। ये लोग वही होते हैं जो आपको बात बात पर ताना मारते हैं। ये लोग आपको हमेशा डिमोटिवेट करते हैं, इसलिए खुद को ऐसे लोगों से हमेशा दूर रखें। और याद रखें, आप अकेले ही बहुत कुछ कर सकते हैं, बस खुद पर विश्वास होना जरूरी है। इस दुनिया में जिस किसी ने खुद पर विश्वास किया है, सच में उन लोगों ने इतिहास रचा है। इतनी मुश्किल नहीं है जिंदगी जितना तुम सोचते हो। सोच सोच में ही तुम खुद को कितना कोसते हो, कोस कोस दूर अपने आज में तुम जोड़ते हो, जोड़ जोड़ के ख्याल तुम ही जिंदगी को तोड़ते हो। जिंदगी को तोड़ो मत बल्कि जिंदगी को जोड़ो, क्योंकि जिंदगी को तोड़ने के लिए तो बहुत लोग बैठे हैं जो तुम्हारा हर काम के लिए हौसला तोड़ते हैं। जब भी तुम कुछ बड़ा करने की सोचते हो, तुम्हारा हौसला गिराते हैं, ताना मारते हैं, तुम्हारा मजाक बनाते हैं। ऐसे में अगर तुम्हारे अंदर का इंसान तुम्हारे साथ नहीं खड़ा होगा तो बहुत तकलीफ होगी। किसी बड़े काम में जीत हासिल करने के लिए तुम्हें तुम्हारे साथ खड़ा होना बेहद जरूरी है। क्यों सोचता है कि तू इस दुनिया में अकेला है? आईने में जाकर देख, दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान तेरे सामने खड़ा है। इस समय दिल और दिमाग में सिर्फ कामयाबी की आग है। मेहनत के रास्ते में अभी कोई मेरे साथ नहीं, लेकिन मंजिल हाथ आने पर तो हर कोई मेरे साथ है। जब तक तुम कुछ नहीं होते, अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत कर रहे होते हो, तब कोई आपके साथ खड़ा नहीं होता, आपकी बात नहीं सुनता, आप पर विश्वास नहीं करता। लेकिन जिस दिन तुम अपने मुकाम पर होते हो, उस दिन लोग आपकी बकवास भी बहुत ध्यान से सुनते हैं। जिस दिन तुम अपने सारे सपने सच कर चुके होते हो, उस दिन लोगों का सपना बन जाता है तुमसे मिलना। समझो, इस बात को समझो, समय हमेशा एक सा नहीं होता। आज अलग है, कल कुछ अलग होगा, और शायद उससे अगले दिन कुछ अलग समय होगा। या तो आप ऊपर की तरफ जाओगे या फिर आप अपनी जिंदगी में नीचे की तरफ आओगे, यह डिसाइड होता है आपके आज से। जानता हूँ मेहनत के रास्ते में कई मुश्किलें मेरे सामने खड़ी हैं, लेकिन मुश्किलों से मैं हार जाऊं नहीं मेरे भाई, उम्र कम है, सोच तो मेरी बड़ी है। इस वीडियो के अंत में आपसे बस इतना बोलना चाहूंगा, जिसने साथ छोड़ा तेरा समय देखकर, एक दिन ऐसा समय लेकर आ, मिलना पड़े उसको तुझसे तेरा समय लेकर। मिलते हैं आसान है कि अगली वीडियो में। जब तक अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें।